नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप डॉट कॉम। किकी चैलेंज जो है उसका एक वीडियो गजब वायरल हो रहा है भाई साहब, अब तो व्हाट्सएप पर भी आ गया। उसमें एक सुनहले बालों वाली लड़की, यानी बाहरी है, वो कार से निकलकर डांस करने लगती है। आप डांस एंजॉय कर रहे होते हैं तभी उसको एक कार धड़ाक से टक्कर मार चली जाती है। इधर आपकी चीख निकलती है, उधर कुछ और लोग भी चीखते हुए घटनास्थल की तरफ भागते हुए दिखते हैं। कायदे से ये वाला किकी चैलेंज वीडियो सबसे ज़्यादा देखा गया है क्योंकि ये हर प्लेटफॉर्म पर बराबर शेयर हो रहा है। लेकिन ये है नकली, एडिटेड, फेक। क्या हुआ, दिल टूट गया? अपने ज्ञान से भरोसा उठ गया? व्हाट्सएप से ज्ञान लोगे तो यही होगा। अब इस वीडियो का पूरा सच जान लो। इंडिया टुडे की वायरल कंटेंट जांच करने वाली टीम ने इसकी पड़ताल की, हम वो आप तक पहुँचा रहे हैं। 16 सेकेंड का ये वीडियो 21 जुलाई को इंस्टाग्राम पर LOFI3D नामक ID से अपलोड हुआ था। वहाँ ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वीडियो एडिटेड है। जो लोग चालू रोड पर ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं वो ध्यान दें, वीडियो इतना परफेक्ट तरीके से बनाया गया है कि लगता है एकदम असल है। इस आईडी में और इस पोस्ट में कैरी मिलर भी टैग थी। इंडिया टुडे की टीम ने उस पर क्लिक किया तो सारा कच्चा चिट्ठा खुल गया। इस ट्विटर हैंडल पर भी वही वीडियो उसी कैप्शन के साथ पड़ा था। जाहिर सी बात है, लोगों को सही शिक्षा देने के लिए बनाया गया था। लेकिन हो गया इसका उल्टा, लोग उस लड़की को मरा बताकर वो वीडियो शेयर करने लगे। फिर कैरी मिलर नाम की उस लड़की ने बताया कि वो जिंदा है जी, ट्वीट किया उसने। तो इंडिया टुडे की टीम ने कैरी से संपर्क साधा तो उन्होंने कहा, मैंने अपनी टीम के साथ ये वीडियो एक मजाक के तौर पर बनाया था। हमको लगा कि क्योंकि चैलेंज निहायत बेवकूफ़ी वाला काम है तो हमने एडिटिंग चैलेंज लिया। हमको पता नहीं था कि ये इतना रियल लगेगा, फिर भी हमें लगा है तो भयंकर फनी। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने एंजॉय किया क्योंकि उन्हें पता है ये सच नहीं है और उनको ये भी पता है कि मैं कॉमेडियन हूँ। तो अगर ऐसा कोई फ़ोटो या वीडियो जिस पर आपको शक है आपके पास भी आ रहा है तो उसको हमारे पास भेज दीजिए lallantopmail@gmail.com पर। और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। और एक नई चीज़ भी आई है, हमारा एंड्रॉयड ऐप, उसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। थैंक यू।